मोदी जी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज पर आपको सूचना देने के लिए बुलाई गई है। जैसा आप जानते हैं, लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार चलाने के बाद इस आम चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को और हमारे साथी दलों को सरकार बनाने का एक जनादेश सरकार ने दिया, जनता ने दिया। इसके परिणाम स्वरूप 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया, जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। शिक्षा के अंदर आमूलचूर परिवर्तन, हमारे चीर पुरातन शिक्षा शैक्षणिक मूल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भाषाओं को गौरवान्वित करते हुए और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत को, भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को एक ही 10 साल में घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मूत अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे, इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं होगा। युवाओं के लिए ढेर सारे मौके तराशे गए हैं। आज भारत का युवा भारत के नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर विश्व के युवा के साथ दो दो हाथ गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, आज विश्वकर्मा पूजा भी देश भर में मनाई जा रही है और मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जा रही है, जिसमें आप गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे हैं। अमृतकाल का जब वर्ष आया, मैं इसका साक्षी हूं, कई सारे सुझाव आए थे और मोदी जी ने हमेशा की तरह अपनी अनूठी स्टाइल से अमृत काल के वर्ष को इस तरह से मनाया
कि जब अमृत काल का वर्ष समाप्त हुआ तो अमृत काल शुरू हुआ और 140 करोड़ लोग 2047 में महान भारत की रचना के संकल्प के साझीदार बने और भारत के विकास की यात्रा के भी साझीदार बने। एक प्रकार से 140 करोड़ की जनता को इतने महान लक्ष्य के साथ जोड़ना ये बहुत बड़े विश्वसनीयता का प्रमाण है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है। तीसरे मैंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के बदवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ की 25,000 अनकनेक्टेड गांवों को जोड़ने की योजना, ये योजना 100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। तो एक प्रकार से मजले, टोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी कनेक्टिविटी दी जाएगी। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनीकोई में नवी हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े हैं। बेंगलोर मेट्रो के फेज 3, पुणे मेट्रो, थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस 100 दिन में आगे बढ़ा है। किसानों को और कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12,33,00,000 किसानों को 3,00,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया गया है। मैं MSP पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। UPA सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा MSP की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी NDA सरकार ने की है। यही बताता है कि ये सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीफीड इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। अब वो न केवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनॉल उत्पाद कर पाएंगे। तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूरत होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% करा है और एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड लॉन्च करने का भी हमने काम किया है। मध्यम वर्ग को भी इस 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। टैक्स राहत, 7,00,000 तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्ष संस्करण लागू कर दिया गया है और 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक प्रकार से 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा का सिस्टम अब तक लग चुका है। एक अनूठी योजना है जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली का बिल तो मुफ्त हो ही जाता है, साथ में
सौर ऊर्जा के हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पीएम ई बस सेवा एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 3400 करोड़ की सहायता से हमने पीएम ई बस सेवाओं की स्वीकृति दी है और स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे, इसके आसपास होंगे। ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन देश के हर क्षेत्र में बनाने का हमने निर्णय किया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यम वर्ग के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पुराने ऋण का जिन्होंने सफलतापूर्वक भुगतान किया है वो सभी को इसका फायदा मिलेगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी से इससे ऋण मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ्य दोनों मिलेगा। सशक्त युवा ये किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हमने की है, जो 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने वाला है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुफ्त सहायता राशि देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने भी लगभग कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ तक पहुंचाना ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। इससे कई युवाओं को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। पीएलआई स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी तजग्य युवाओं की नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन हमने दिया है वो भी युवाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता जूट बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को ये 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया सालाना कमाई कर रही हैं। ये महिलाओं के लिए 1 लाख का राशि एक स्वप्न माना जाता था, आज वो स्वमान के साथ अपना जीवन जी रहे। इसके साथ पर्यटन दीदियों जो गाइड का काम करेगी, पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत 63,000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविधाओं से संपूर्ण युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख नए पहचान पत्र एक अभियान चलाकर 100 दिन में दिए गए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक नए पहलुओं के साथ, नए आयामों के साथ फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना आज देश के कई करोड़ लोगों के जीवन का, सरल जीवन का आधार बनी हुई है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य से जुड़ा सभी खर्चा एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। अब
जैसा हमने हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो गरीब घर में 70 साल से अधिक वाले लोग हैं उनको अपने कार्ड के अलावे और 5 लाख दिया जाएगा, तो उनका कवरेज एक प्रकार से 10 लाख तक किया जाएगा। करीब करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगभग समाप्त कर देंगे। हमारी पूरी रिक्वायरमेंट ये 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी, और इसके लिए हमने 3 साल का लक्ष्य रखा है। नियमित टीकाकरण के लिए, उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पोर्टल भी यही 100 दिन में शुरू किया गया, और देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है। 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिन मनाया गया है। इससे किशोरों को और युवाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और उनका हैंड होल्डिंग करने के लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की गई। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना भी हुई। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल भी शुरू किया गया। सेमीकंडक्टर, गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई, और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि आने वाले 10 सालों में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उभरेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, पुराने ब्रिटिशरों ने बनाए हुए आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून इंप्लीमेंट किए गए। भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न केवल लोकभोग्य बनाएंगे, लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा, समय पर न्याय मिलने की शुरुआत होगी। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल के बाद जब इसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन समाप्त होगा, हम दुनिया में सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे। शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6,350 करोड़ रुपए की नई योजना देश में पहली बार लाई गई। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए। 25 जून को संविधान हत्या दिन मनाने का फैसला कर आने वाली पीढ़ी को इमरजेंसी जैसे काले दौर से देश को न गुजरना पड़े, इसलिए जागरूक करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई लगभग 4,100 करोड़ रुपया के साथ, और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंड ट्रेच को भी शुरू कर दिया गया। मित्रों, पीएम मोदी जी का युद्ध के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राओं को पूरी दुनिया आस के साथ नजर गड़ाकर बैठी है। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई। आने वाले दिनों में इससे हमारी कई धरोहरों को वापस लाने में हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसको 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है, और मैं मानता हूं कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटिगेशन के हेतु ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया है वो सब जरूरियातों को आज के दिन की पूरा करेगा, और इसके लिए 12,554 करोड़ की योजना भी ये सब विशिष्ट आपदाओं के लिए निश्चित किए गए हैं। 4 सितंबर को
35 सालों के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता किया गया। मानस हेल्पलाइन नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए और सूचनाओं के लिए शुरू की गई। अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी। मित्रों, 100 दिन में इतना सारा जो काम, उसको अंजाम देने में सफलता मिली है, उसका कारण है जब हम चुनाव में गए, राजनीतिक पार्टियां और चुने हुए प्रतिनिधि तो चुनाव में गए थे, परंतु मोदी जी ने चुनाव के 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीजें पड़ी है, जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त कर रखिए, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। इसी का परिणाम है कि ये लगभग लाखों करोड़ों के काम 100 दिन के अंदर ही, हम कैबिनेट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगह तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं। इसके कारण देश की विकास की गति न केवल बढ़ेगी, देश सुरक्षित संपन्न होगा और नई शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट कर शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विकास का रथ चला है वो आगे पर भी चला रहेगा, इसका हम सभी को विश्वास है। अब आप सब इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। मैं प्रश्न लूंगा, सबसे पहले आप अपना और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। सबसे पहले 16 नंबर। गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और ऐसे दिन पर 100 दिन का बुकलेट जो है वो जारी कर दिया गया है। इस बुकलेट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार 3.0 जो अपने 100 दिन का काम पूरा कर चुकी है, उस 100 दिन के काम में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में काम किया गया है, इसी का लेखा जोखा देते हुए गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं।